सब्सक्राइब कीजिए बैंकिंग गुरु जी चैनल को और बेल आइकन दबाइए लेटेस्ट इंफॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, बैंकिंग गुरु जी चैनल में मैं स्वप्निल आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं एंटी मनी लॉन्ड्रिंग PMLA और FIU IND के बारे में। दोस्तों, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग के बारे में बात करने से पहले मैं मनी लॉन्ड्रिंग के बारे में आपको खुल के बताना चाहूंगा। फॉर एग्जाम्पल, मान लो अगर कोई भी गवर्नमेंट एम्प्लॉई काम करने के लिए आपसे अंडर द टेबल पैसे लेता है जिसका कहीं पे भी अकाउंटिंग नहीं होता, वो एक ब्लैक मनी है। अगर कोई पॉलिटिशियन पार्टी फंड के लिए आपसे कैश लेता है या फिर चुनाव के नाम पर आपसे पैसे बटोरता है तो वो भी ब्लैक मनी का एग्जांपल है। और आपने पेपर में पढ़ा भी होगा और न्यूज में देखा भी होगा ऐसे केसेस में पॉलिटिशियन के रिश्तेदार और ड्राइवर्स के नाम पर कई सारी प्रॉपर्टीज, गाड़ी, बंगले होते हैं जो एक्चुअल में उसी पॉलिटिशियन के इलीगल कमाई का नतीजा होता है। तो चलिए देखते हैं ये कंप्लीट मनी लॉन्ड्रिंग प्रोसेस जो है किस तरह से काम करता है और हमारे ही इंडियन इकोनॉमी का पैसा घुमा फिरा के वापस हमारे इंडियन इकोनॉमी में ब्लैक से व्हाइट में कैसे कन्वर्ट होता है। So, मनी लॉन्ड्रिंग का सबसे पहला तरीका होता है ब्लैक मनी को अलग अलग अकाउंट्स में डिपॉजिट करना, यानी वो कैश करेंसी जिसका कहीं पर भी अकाउंटिंग नहीं होता, कहीं पर भी रिकॉर्ड नहीं होता। और ऐसे कैश को छुपाना प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल होता है क्योंकि ये सारा का सारा पैसा जो है वो इलीगल एक्टिविटीज से रिलेट करता है। तो ऐसे केसेस में किसी फाइनेंशियल एक्सपर्ट या फिर प्रोफेशनल की मदद ली जाती है जिससे ये सारा का सारा पैसा जो है ब्लैक से व्हाइट में कन्वर्ट हो। तो इन प्रोफेशनल एक्सपर्ट की सलाह से ये सारा पैसा जो है वो अलग अलग अकाउंट में अलग अलग बैंक में डिपॉजिट किया जाता है जिससे ये पैसा किसी एक ही आदमी का ये पता ना चल सके और किसी भी गवर्नमेंट रेगुलेटरी को शक भी ना हो। दोस्तों, दूसरा पॉइंट है प्लेसमेंट, यानी कैश को बक्से में भर के बर्मुडा, सिंगापुर, नीदरलैंड जैसे टैक्स सेवन कंट्रीज में स्मगल करना। दोस्तों, टैक्स सेवन कंट्रीज मतलब ऐसी कंट्रीज है जो किसी भी फॉरेनर को या फिर फॉरेन बिजनेस को पॉलिटिकली और इकोनॉमिकली स्टेबल एनवायरमेंट के साथ साथ मिनिमल टैक्स लायबिलिटी देती है और ऐसे फॉरेनर्स और उनके बिजनेस के फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन को किसी भी टैक्स अथॉरिटी के साथ शेयर नहीं किया जाता। ऐसे कंट्रीज में जाने के बाद ये सारा का सारा पैसा जो है वो शेल कंपनीज में इन्वेस्ट होता है और बाद में काफी घुमा फिरा का ट्रांजेक्शन दिखाए जाते हैं जिससे इन पैसों का ओरिजिनल सोर्स जो है वो पता ना चल सके। इस कंप्लीट प्रोसेस को लीगल टर्म में लेयरिंग भी कहते हैं, यानी ट्रांजैक्शंस के कई सारे लेयर्स क्रिएट करके पैसे के ओरिजिनल सोर्स को छुपाना। दोस्तों, तीसरा तरीका है शेल कंपनीज को क्रिएट करना। मैंने इसके पहले पॉइंट में भी शेल कंपनीज का जिक्र किया था तो मैं आपको बता दूं, शेल कंपनीज मतलब ऐसी कंपनीज जो सिर्फ ऑन पेपर होती है, जिनका वास्तव में कोई अस्तित्व नहीं होता। ऐसी कंपनीज को फॉर्म करके ये जो सारा का सारा ब्लैक मनी है वो इस कंपनीज के कैश रिजर्व में दिखाया जाता है। और मनी लॉन्ड्रिंग का सबसे आखिरी तरीका जिसे आप कह सकते हैं कंसोलिडेशन या फिर इंटीग्रेशन, मतलब ये जो सारा का सारा पैसा फॉरेन कंट्रीज में है उसे किसी बिजनेस ट्रांजैक्शन या फिर FDI यानी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के थ्रू वापस इंडिया में लाया जाता है और बाद में ये सारा का सारा पैसा जो है वो स्टॉक मार्केट, रियल इस्टेट, फिल्म इंडस्ट्री के साथ साथ टेररिस्ट एक्टिविटीज, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, ड्रग सप्लाई जैसे इलीगल एक्टिविटीज में भी इन्वेस्ट किया जाता है। सो फाइनली इस पैसे को इतना घुमाया जाता है कि इस पैसे का ओरिजिनल बेनिफिशियरी कौन है पहचानना काफी मुश्किल हो जाता है। तो इन सभी चीजों को, सभी इलीगल एक्टिविटीज को रोकने के लिए इंडियन गवर्नमेंट ने 2002 में एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट पास किया है जिसका नाम है PMLA यानी प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग। इस एक्ट में 2005, 2009, 2012 और 2015 में कई अमेंडमेंट्स हो चुके हैं और इस एक्ट का मेन मोटो ये है कि मनी लॉन्ड्रिंग को प्रिवेंट करे, जो भी ट्रांजेक्शन हो रहे हैं वो कम्प्लीटली क्लीन और ट्रांसपेरेंट हो और जो कोई प्रॉपर्टी परचेस कर रहा है मनी लॉन्ड्रिंग के पैसों से उस प्रॉपर्टीज को सील किया जाए। वैसे मैं आपको बता दूं, ये मनी लॉन्ड्रिंग कोई नई बात नहीं है क्योंकि इसे रोकने के लिए 1989 में FATF यानी फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स इस ऑर्गेनाइजेशन की शुरुआत हुई थी जिसका हेडक्वार्टर अभी फिलहाल पेरिस में है और इसके साथ अभी तक 36 कंट्रीज जुड़ चुकी है। इंडिया में FIU IND यानी फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट इंडिया, ये सेंट्रल नेशनल एजेंसी जो है वो एंटी मनी लॉन्ड्रिंग के लिए काम करती है जिसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 18 November 2004 को एस्टेब्लिश किया था। बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट से सस्पिशियस ट्रांजैक्शंस के रिपोर्ट लेना, उन रिपोर्ट्स को एनालाइज करना और बाद में इन्हीं सस्पेक्ट्स को लोगों के सामने लेकर आना, ये काम FIU IND करती है। अगर हम FIU IND के फंक्शंस के बारे में बात करें तो CTR यानी कैश ट्रांजैक्शन रिपोर्ट, इसका मतलब बैंक्स में जो कोई भी 10 लाख के ऊपर के ट्रांजैक्शंस होते हैं उन रिपोर्ट्स को लेकर एनालाइज करने के बाद उस कैश के मेन सोर्स को ढूंढा जाता है। दूसरा फंक्शन आप कह सकते हैं एनालाइज एंड प्रोसेस CBWTR। CBWTR का फुल फॉर्म है क्रॉस बॉर्डर वायर ट्रांसफर रिपोर्ट, यानी जो देश प्रोहिबिट कर दिए गए हैं उनके साथ अगर कोई ट्रांजैक्शन हो रहा है तो उन ट्रांजैक्शंस को लेकर उन आदमियों पर और उन सस्पेक्ट्स के ऊपर कार्रवाई करना। और लास्ट बट नॉट लीस्ट, उनका फाइनल फंक्शन जो है वो सस्पिशियस ट्रांजैक्शंस को एनालाइज और उनके ऊपर प्रोसेस करना। अगर मान लो किसी बिजनेसमैन का मंथली टर्नओवर जो है वो 1 लाख तक है
और सडनली उसने 10 लाख के ट्रांजैक्शन करना शुरू कर दिए हैं तो कुछ सस्पिशियस हो रहा है। तो ऐसे केसेस में FIU I&D इस पूरे ट्रांजैक्शंस को एनालाइज करती है और बाद में अगर जरूरत पड़ी तो उसके ऊपर कार्रवाई भी करती है। दोस्तों मुझे उम्मीद है इस वीडियो के जरिए मैंने FIU I&D PMLA एंटी मनी लॉन्ड्रिंग के साथ साथ मनी लॉन्ड्रिंग के बारे में कई सारी डिटेल्स आपके साथ शेयर की है। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर आपके मन में कोई भी डाउट हो या फिर आपके कोई भी सुझाव हो तो प्लीज उसको कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो फटाफट हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे ही नए नए और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज लेके आता रहता हूँ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।